अंग्रेजों द्वारा भारतीय खजाने को लूटना वास्तव में इतिहास का एक दिलचस्प लेकिन परेशान करने वाला पहलू है। कोहनूर हीरा, यह प्रसिद्ध हीरा जो अब ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है, का एक लंबा और विवादास्पद इतिहास है। इसका खनन मूल रूप से भारत में किया गया था और कॉलोनियल पीरियड के दौरान ब्रिटिश हाथों में समाप्त होने से पहले विभिन्न भारतीय और फारसी शासकों के माध्यम से पारित किया गया था। टीपू सुल्तान की तलवार। मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के लिए जाना जाता था। 1799 में उनकी हार के बाद अंग्रेजों ने ट्रॉफी के रूप में उनकी तलवार जब्त कर ली। अब इसे लंदन के वालेस कलेक्शन में प्रदर्शित किया गया है। भारतीय महलों को लूटना। ब्रिटिश अधिकारी अक्सर भारतीय महलों और मंदिरों को लूटते थे, बहुमूल्य कलाकृतियां, ज्वेल्स और कलाकृतियां जब्त कर लेते थे। इन छापों से लूटी गई रकम कभी कभी ब्रिटेन वापस भेज दी जाती थी या निजी संग्राहकों को बेच दी जाती थी। दिल्ली की बर्बादी। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया और दिल्ली शहर को लूट लिया। कई अमूल्य कलाकृतियां ले ली गईं, जिनमें पीकॉक थ्रोन भी शामिल था, जिसे नष्ट कर दिया गया और उसके ज्वेल्स हटा दिए गए। इस बात पर बहस चल रही है कि क्या ब्रिटेन को कॉलोनियल युग के दौरान लूटी गई संपत्ति के लिए भारत जैसे देशों से माफी मांगनी चाहिए या मुआवजा देना चाहिए। कुछ लोगों का तर्क है कि चुराई गई कलाकृतियां लौटाना स्वीकृति और मेलमिलाप का एक प्रतीकात्मक संकेत होगा। ये उदाहरण औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच जटिल और अक्सर शोषणकारी संबंधों को उजागर करते हैं।